अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पावर एकेडमी एंड यू आर वाचिंग इजी ट्यूटोरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर ऑफ ईकैट 2017। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जब आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है FSC के बाद, तो ये वही टेस्ट है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसको देने के बाद फिर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट फील्ड्स में एडमिशन होता है। तो 2017 में आने वाला जो पेपर था, आज हम उसके फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट दी लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड इज टू बी मेजर्ड। फॉर दिस पर्पस अ स्टूडेंट फाइंड टू डिफरेंट डिवाइसेस इन द लैब। डिवाइस ए कैन मेजर द लेंथ ऑफ विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, वाइल डिवाइस बी कैन मेक द सेम मेजरमेंट विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। फॉर अ प्रिसाइज मेजरमेंट स्टूडेंट शुड, अब ऑप्शन थे MCQ के, use only device A to measure the length, use only device B to measure the length, use the average of the measurements obtained using devices A and B, use the minimum of the measurements obtained using devices A and B। तो आपके ख्याल में बच्चों इनमें से correct option कौन सा होगा। चलिए मैं चार options को बारी बारी discuss करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जब भी आपने precise measurement करनी होती है तो उस precise measurement की जो dependence है वो डिपेंड कर रही होती है अनसर्टेनिटी पे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो चाहे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, दोनों में से किसी एक अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही होती है, चाहे वो प्रिसाइज हो चाहे वो एक्यूरेट मेजरमेंट हो। ठीक है, आपने जब टॉपिक पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का FSC फिजिक्स चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है, और उसमें आपने एक और चीज भी देखी थी कि कभी भी आप सेम मेजरमेंट जो है वो दो डिवाइसेस के साथ करके उनकी एवरेज तो नहीं लेते, या फिर आप ये नहीं करते कि उनमें से कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ले ले। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकते कि आप एवरेज ले मेजरमेंट्स का और वो मेजरमेंट्स डिवाइस ले और दोनों से ली हुई हो, भाई इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये और है, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और है, तो आप इनकी एवरेज नहीं ले सकते, ये ऑप्शन तो खत्म। इसी तरह यहाँ पे भी दो डिवाइस है तो ये ऑप्शन भी खत्म। इसका मतलब ये दो ऑप्शन रह गए, इन दोनों ऑप्शन में से आपके करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है कि आप सिर्फ डिवाइस ए को यूज करें, दूसरे ऑप्शन में डिवाइस बी को यूज करें, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए जब भी आप प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए जरूरी है कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कम से कम हो। आपने पढ़ा था प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आपने एक पॉइंट पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में। अभी यहां पे देखिए इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.5 है और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 है, तो इसका मतलब है ये जो डिवाइस बी है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट था इस एमसीक्यू का। अभी हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर लेते हैं, मेरा फेवरेट है, कई बार मैं वो टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इस दूसरे क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये जो नीचे चार एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इन चारों एक्सप्रेशंस में से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है फॉर द वेलोसिटी वी ऑफ ओशन वेव्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है आपके पास, दूसरी डेप्थ ऑफ ओशन है, तीसरी वेवलेंथ है, और चौथा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है। आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी गिवन है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो भी गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो न्यूमेरिकल है ये आया है आपको डायमेंशनल एनालिसिस में से, और डायमेंशनल एनालिसिस में से भी ड्राइविंग का पॉसिबल फॉर्मूला में से है। ठीक है, तो देखते हैं हम ड्राइव करके इन चारों में से जो कौन सी एक्सप्रेशन है वो वैलिड होगी। तो इससे एमसीक्यू के लिए आपने अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ रहा है जिसमें आपने वैलिड एक्सप्रेशन देखनी हो तो उसके लिए भी आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं अगर फैक्टर्स गिवन हो, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बी के लिए फाइंड करनी है, तो बी आपके पास डिपेंडेंट है रो के ऊपर, हाइट है और डेप्थ ऑफ ओशन है, देन आपके पास वेवलेंथ है और फ्री फॉल है, ए बी सी डी के लिए। ठीक है, फी आपके पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट, रो ए B,
एच बी आपके पास लैम्डा की पावर आ जाएगी, सी जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है छोटे लेवल पे ठीक है ए बी सी। अभी देखिए हम इस गियर में एल टी माइनस वन देखते जाइएगा, हमने बाकी एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा इंशाल्लाह। आपके पास रो है एम एल माइनस थ्री ए, उसी तरह एच आपके पास लेंथ है तो एल की पावर बी हो जाएगा, और लैम्डा ये भी एल है, सी और जी आपके पास एल टी माइनस टू तो ई ठीक है। एल टी माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी और टी की पावर आ जाएगा माइनस टू डी ठीक है। अब यहां से हम जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू इधर जीरो है, इधर एम की वैल्यू पावर ए है, इधर हमारे पास एल की पावर वन है, और इस साइड पे हमारे पास एल की पावर है माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है। और इसी तरह जब हम टी को कैलकुलेट करेंगे तो टी के लिए उधर माइनस वन है और इधर है माइनस टू डी, सब माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू वन ओवर टू, इज इक्वल टू वन ओवर टू आ गया। देन वन ओवर टू आने का मतलब है कि हमारे पास अंडर रूट तो है ठीक है, देन हमारे पास ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो ये थ्री ए प्लस माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, यहां से माइनस थ्री ए जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस डी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो वन बाई टू रह जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास बी और सी की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम बी को जीरो पुट करते हैं तो सी की वैल्यू निकल आएगी, सी को पुट करते हैं जीरो तो बी की वैल्यू निकल आएगी, तो जब सी जीरो है और एक केस में बी जीरो है, सी जीरो होगा तो बी की वैल्यू वन ओवर टू आ जाएगी, और जब बी जीरो होगा तो सी की वैल्यू वन ओवर टू आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ गई हैं, वो चारों वैल्यूज हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है, रो की पावर जीरो है, एच बी अगर b को हम ले लेते हैं वन वन बाई टू तो फिर हमें c को जीरो लेना पड़ेगा, और b को जीरो लेना पड़ेगा ठीक है c को, और अगर हम c की वैल्यू वन बाई टू लेते हैं तो उसके लिए हमें b को जीरो लेना पड़ता है, तो हम दोनों केसेस अलग अलग लिखेंगे। पहले केस में c जीरो ले लेते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू ठीक है, और लैम्डा ये आपके पास जीरो, और जी की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टू। तो इस केस के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा एच जी अंडर रूट, और दूसरे केस में आपके पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा रो की पावर जीरो है तो एच की वैल्यू भी पावर भी जीरो, लैम्डा की पावर वन ओवर टू, जी की पावर वन ओवर टू। तो इसका मतलब है इससे जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी जी लैम्डा, ये दोनों एक्सप्रेशंस वैलिड है, हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि जी लैम्डा जो है वो आपके पास गिवन है, एच जी जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां से आप इस तरह करके डायमेंशनल एनालिसिस आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर थ्री की, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे था कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट, दो फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है दूसरी का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, आपने रिजल्टेंट फोर्स का बताना है कि इनमें से कौन सा जो मैग्नीट्यूड है वो पॉसिबल नहीं हो सकता,
पहला ऑप्शन है 6 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूटन और चौथा ऑप्शन था 13 न्यूटन। तो आपको मालूम है कि जब भी आपको फोर्सेस दी गई हो, आप उनका मिनिमम या मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना चाहें, तो आपको पता है कि 8 + 3 8 + 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 13 न्यूटन। तो इसका मतलब है ये वाला जो रिजल्ट है ये भी पॉसिबल है, तो 8 - 5 = 3 न्यूटन। तो ये आपके पास रेंज जो है इस रेंज के अंदर आंसर आ सकता है। अभी अगर देखा जाए 6 न्यूटन तो वो भी इसी रेंज के अंदर है, 3 और 13 के बीच में ही है। इसी तरह अगर देख लीजिए 10 न्यूटन तो वो भी यहाँ आगे ही होगा और 13 न्यूटन तो खुद है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है 2 न्यूटन ये आपका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। पॉसिबल रिजल्ट आपने बताना है, आपने ये कैलकुलेट नहीं करना कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। आपका पॉसिबल जो रिजल्ट था वो था 2 न्यूटन। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई मसला आया है तो नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर करना, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं चौथे एमसीक्यू के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 2017 के ई अकेडमी के। 3 यूनिफॉर्म ब्रिक्स हैं आपके पास, ईच ऑफ द लेंथ एल, हर एक की लेंथ क्या है, एल है, आर स्टैक एज शोन इन द फिगर बिलो। वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी। अभी आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स। आपने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रिजल्टेंट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपका ये जो सिस्टम है, आप इस तरह 3 ब्रिक्स ली हैं, ईंटें ली हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है कि वो जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बन रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, और आपने बताना है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है, और यहां पर भी आपने जस्ट वैलिड वैल्यू बतानी है, आपने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। ठीक है, अभी देखिए यहां से जरा इस फिगर को, और आपके पास जो ऑप्शन थे वो ये 4 ऑप्शन थे, L/8, L/4, L/2 बोथ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बात, ये जो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज इनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेंथ थी ये थी एल, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ भी है एल। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, और अगर ये वाला हिस्सा देख लिया जाए तो ये हिस्सा है एल ओवर टू, क्योंकि L/2 L/2 = 2 एल आ जाएगा आपके पास, ये पूरी लेंथ हो जाएगी एल। ठीक है, इस पूरी लेंथ में से एक्स माइनस कर दें तो आपके पास ये पोर्शन बन जाएगा एल माइनस एक्स। अभी अगर देखा जाए तो ये वाला आपके पास जो L/2 है वो इस एक्स से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो गया। अगर ध्यान से देखें एक्स जो है वो L/2 से लेस है, एक्स इज लेस देन L/2। तो यहां पे अगर हम देखें तो L/2 से जो लेस वैल्यूज है वो L/4 भी है और L/8 भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स है ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एमसीक्यू था, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था डी, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह का एमसीक्यू अक्सर आ जाते हैं जिसमें आपने जस्ट वैलिड वैल्यू बतानी होती है कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे आप आई होप ये जो एमसीक्यू है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को। अच्छा बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एन ओल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ रेडियस R1, एक पुराना जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है रेडियस R1 के ऊपर, इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सैटेलाइट एट एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस R2। ठीक है, मतलब जो पहला सैटेलाइट था उसका रेडियस R1 था जिसके ऊपर वो ऑर्बिट कर रहा था, दूसरे का रेडियस R2 है, एंड द न्यू सैटेलाइट हैज ट्वाइस द मास ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, एंड ईच ऑफ द सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिट टाइम ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपसे कह रहे हैं कि द रेशियो R2 to R1 इज, ऑप्शन आपके पास 1/2, 1/2 और 2। इन चारों ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है M2 है इज इक्वल टू 2 M1 के, और आपके पास
पहला रेडियस आर वन है, दूसरा रेडियस आर टू है, टाइम पीरियड आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है। और ये जो 24 आवर्स है, यहां से हमें पता चलता है कि ये आपके पास जो सैटेलाइट होगा ये कौन सा होगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करेगा, ऑर्बिटिंग जो है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो सैटेलाइट हो जाएगा वो जियोस्टेशनरी है। और हमें पता है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है जी एम पी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर पूरे की पावर 1 ओवर 3, ठीक है। ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि दोनों सैटेलाइट्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले का मास जो है वो आधा है दूसरे के मास से, या जो दूसरा है उसका मास डबल है पहले वाले के मास से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट उनके मास में डिफरेंस है और बाकी ये जी भी कॉन्स्टेंट है, ये एम भी कॉन्स्टेंट है, टी भी दोनों के लिए सेम है, 4 पाई तो ऑलरेडी सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ आर वन जो है वो आर टू के इक्वल है। तो हम जब इन दोनों की रेशियो देंगे आर टू ओवर आर वन तो वो इक्वल आ जाएगी 1 के, जिसका मतलब ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि जो आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो डिपेंड ही नहीं करता मास के ऊपर। इस तरह की चीजों का भी आपने ख्याल रखना था, बहुत सारी ऐसी चीजें दे दी जाती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपकी जो क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट करनी होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बातों का आपने ख्याल रखना है जब भी आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं, खासकर ई कैट के, ठीक है, और ई कैट में भी जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी सा है अगर देखा जाए तो। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था 2017 के ई कैट में कि अ सोलर पैनल डिलीवर्स 100 वाट्स फॉर 1 मिनट। आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है 100 वाट्स डिलीवर करता है इन 1 मिनट, इसका मतलब आपके पास 100 वाट्स वाट्स इसका यूनिट पावर का, तो आपके पास पावर आ जाएगी एवरेज पावर जो है वो 100 वाट्स है, ठीक है। टाइम है आपके पास 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाउ मच एनर्जी डज इट डिलीवर ड्यूरिंग द पीरियड, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अभी देखिए बच्चे, आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपकी किताब के अंदर, पावर के अंदर का पावर का फॉर्मूला था एवरेज पावर का इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अभी आप जानते हैं ये जो वर्क डन है ये वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी के, तो इसका मतलब हम पावर एवरेज का जो फॉर्मूला है वो ये भी लिख सकते हैं ई ओवर टी। यहां से हमारे पास जो ई है उसका फॉर्मूला बन जाएगा पी एवरेज इंटू टी। पी एवरेज है हमारे पास 100 वाट्स और टाइम है हमारे पास 60, तो ये आ जाएगा 6000 जाउल जो कि इक्वल है 6 किलो जाउल के। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। आपने क्वेश्चन जरूर करना है, हम आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके बाद एक ये ग्राफ दिया हुआ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसके बारे में कहता है द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आंसर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस यूजिंग द ग्राफ। अभी आपके पास, आप जरा ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, आपके पास जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे गिवन है, आपके पास वेलोसिटी वाई एक्सिस पे गिवन है, और जो आपके पास जैसे ही वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है, तो आप देखिए उसका जो ग्राफ है वो एक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, वो जो फंक्शन है आपके पास बन रहा है 3t स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही वो एक सेकंड गुजरता है, एक सेकंड के फौरन बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी, हमें मालूम है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो जस्ट एक सेकंड के लिए होगा, उसके बाद तो आपके पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो जर्नी है ये सारी की सारी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अगर एक्सेलरेशन है तो जस्ट इस पहले एक सेकंड के अंदर है, और उसके लिए जो हमें
फंक्शन दिया हुआ है जो चेंज है वो 3d² के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो 3d² है, और आपको मालूम है जब भी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो उसके आप क्या फाइंड करते हैं? स्लोप। लेकिन स्लोप के लिए आपको पॉइंट चाहिए, हमारे पास पॉइंट तो गिवन नहीं है, हमें तो फंक्शन दिया गया है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया हो और आपने उस ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है? ये बात आपने याद कर लेनी है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो और उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी हो या वेलोसिटी एंड ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना हो और आपको फंक्शन दिया हो तो आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? तो आप जैसे ही आप इसको डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेट करने के बाद df/dt आ जाएगा 6t, और जो हमारे पास t है वो कितना है 1। तो जब ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनटू 1 तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 6 m/s². ये आपके पास क्या बन जाएगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो टी था, 6 m/s². अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। आपने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ही कि आप जब अपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर आप एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे भी आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 0.3 है, ये 0.1 है, तो 3 - 1 = 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, 2 × 3 ये आ जाएगा 6। ये आपके पास एरिया आ गया 6 m², ठीक है? अभी ये वाला जो एरिया है इस एरिया को भी हमने कैलकुलेट करना है। इस एरिया को कैलकुलेट कर किस तरह किया जा सकता है? यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है? फंक्शन ही दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो और आपने एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया अंडर द कर्व, तो उसके लिए आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 to 1 होगी, ठीक है? 0 to 1 3t² dt। अभी जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी t, और इसकी जो लिमिट है हमें पता है 0 to 1 है, 1 - 0 = 1। और हमने देखा था ये वाला एरिया प्लस ये वाला जो एरिया है वही डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है, तो हम इसको लिख लेंगे। सॉरी यहाँ मीटर आना था, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो 6 m + 1 m, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 7 m। अगर इस एमसीक्यू में आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो कि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किया है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने इन दोनों को ऐड क्यों किया है, या कोई भी और कंफ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन दूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी मेरे कंफ्यूजन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसी सारा एमसीक्यू था, जरा फिर भी समझने वाला है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ स्टोन थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक हॉरिजॉन्टली एक स्टोन है उसको थ्रो किया गया था, फॉलोज द पैराबोलिक पाथ PQRST, और उसने जो पाथ फॉलो किया है वो PQRST बनाया इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और जो एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर फ्रिक्शन है, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। देन कह रहे हैं कि दीस पॉइंट्स डिनोट द पोजीशन ऑफ स्टोन, ये जो पॉइंट्स है PQRST ये पोजीशन ऑफ स्टोन को क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं आफ्टर सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है? इक्वल टाइम इंटरवल्स आपको बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देन कह रहा है टी इज द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड, इनमें से जो टी है वो हाईएस्ट पॉइंट है उस स्टोन का। अब आपने बताना है था डिस्प्लेसमेंट पी क्यू क्यू आर एस टी आर एस एंड एस टी है इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट्स, इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, have equal horizontal components or decrease at a constant rate। आपने ये चारों options में से एक correct option choose करना है, तो आपके ख्याल में से कौन सा option ठीक हो सकता है? अच्छा चलिए हम एक parabolic path बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट कर लेते हैं ये आपके पास पॉइंट था T, इस पॉइंट को हम T कह लेते हैं, ये पॉइंट हमारा Q है, ये पॉइंट हमारा R है, ये पॉइंट हमारा एस है, और ये पॉइंट हम क्या लेते हैं फर्ज करें टी। ये आपने ले लिया 1 2 3 4 5
ठीक है, ये आपके पास टाइम है और ये उसकी हाइट है, आप हाइट की बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या कर रहे थे, उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमने उसकी पोजीशन बना ली, टी था हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है कि हैव इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट्स, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये वन था तो कहीं टू ये होगा, ये आपके पास उससे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, ये पॉइंट उससे और ऊपर बन जाएगा, देन ये इसमें इंक्रीज ज्यादा नहीं है और इसमें तो इंक्रीज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज वाला ये वाले जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अगर हम देखा जाए देखें अगर तो ये डिस्टेंस जो है ना तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है ना ही इक्वली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब जो बात आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट्स भी नहीं है क्योंकि इनमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल पे देखें, टाइम सेकेंड में जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में गिवन था सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स है आपके, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल्स है ये क्या है, इक्वल है, इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ जाएगा, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आ गया तो क्वेश्चन दूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्हेन अ बस इज एट रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट पे है, अ पेंडुलम बॉब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग इनसाइड द बस इज जस्ट अबव अ सर्टेन मार्क ऑन द फ्लोर। फर्स्ट कर लें, ये आपके पास एक बस की सीलिंग है, इसके साथ एक पेंडुलम है, ये कोई नीचे सर्टेन मार्क है, उस मार्क से थोड़ा सा ऊपर ये इसकी बॉब है। ठीक है, व्हेन द बस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव कर रही है इसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर ऑन द मोटरवे द पेंडुलम बॉब। अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है कि वो जो पेंडुलम की बॉब है ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि वो जो पेंडुलम बॉब होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द। बी ऑप्शन है स्टेज ओवर द मार्क बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉब ड्यू टू मोशन, कि वो जो बॉब है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, उस मार्क के ऊपर ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तीसरे में है कि स्टेज ओवर द मार्क उसी पोजीशन के ऊपर ही रहेगी बिकॉज द फोर्स ड्यू टू द मोशन इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थ्रेड, मतलब वो जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से वो जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो उससे बैलेंस हो जाएगी। देन है is behind the mark in a position where the horizontal force exerted on the bob due to the motion is equal to the horizontal component of tension in the thread। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शंस हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आप इस पॉइंट पे आएंगे कि आपके पास जो बस है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड नो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन is equal to zero. जब आपका acceleration zero होगा, इसका मतलब है F is equal to ma is equal to zero. तो आपकी वो जो bob है, उसके ऊपर कोई force लग ही नहीं रही। जब force ही नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि आपकी वो जो bob है, वो move ही नहीं करेगी। तो ये जो पहला option है, ये खत्म, कि वो अपनी original position के इर्द-गिर्द मूव करेगी। ठीक है, जब फोर्स ही नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेज ओवर द मार्क हो सकता है, ठीक है, इस बिहाइंड वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जब मूव ही नहीं करेगी तो अपने पॉइंट से वो आगे या पीछे जाएगी, तो इस बिहाइंड द मार्क भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म। अब ये दो ऑप्शन है बी और सी, इनमें कह रहा है कि स्टेज ओवर द मार्क, स्टेज ओवर द मार्क, ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉब ड्यू टू द मोशन, और यहाँ पे है because the force due to the motion is balanced by the reaction of thread. अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस point पे अगर आए तो इस point पे हमारे पास हमें पता है कि जो force है वो downward होगी और वो उसके weight के equal है, लेकिन ये वाला अगर हम point first कर लेते हैं तो इस point पे हमें पता है कि एक force तो ये है और दूसरी force आपके पास इस direction में होगी, वो जो downward force है वो तो balance हो जाएगी, लेकिन ये वाली force उसके ये जो थ्रेड है इसके अंदर जो टेंशन होती है उससे बैलेंस
कभी भी नहीं होती, ये बात आपको याद होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो गलत है कि द फोर्स ड्यू टू द मोशन इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्रैम, ठीक, और रिएक्शन कह रहा हूं टेंशन ऑफ ट्रैम, यहाँ पे टेंशन आना था टेंशन ऑफ थ्रेड, तो यहाँ पे जो टेंशन है उस थ्रेड के अंदर वो जस्ट उसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वैसे भी बैलेंस नहीं करती, और हमारे पास जो फोर्स है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो फोर्स थी ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर नो फोर्स है, आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह हम आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फोर्क पी प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क क्यू, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज 200 हर्ट्ज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज 212 हर्ट्ज, तो 188 2400 आइदर ए और बी, ये आपके पास चार ऑप्शन थे। यहाँ पे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्यू है वो है 200 हर्ट्ज और बीट्स हैं आपके पास पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड आपके पास इक्वल है 12K, ठीक है। आपने ट्यूनिंग फोर्क की जब आप बीट्स पढ़े थे वहां पे आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो बीट्स पर सेकंड है वो इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स, ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ पी है वो अगर हमने फाइंड करना है और जो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स है वो अगर हम 12 कह रहे हैं वो यहाँ तो इक्वल होगी एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ पी के, और यहाँ इक्वल होगी वो 12 इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ क्यू के, ठीक है, हमें एफ ऑफ क्यू की वैल्यू गिवन है तो एफ ऑफ क्यू, क्योंकि हमें ये पता कि मैक्स पहली जो ट्यूनिंग फोर्क है वो हमने किसको रखना है, तो इस वजह से हम ये दोनों कंडीशंस देख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू है हमारे पास 200 माइनस एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी यहां से इक्वल आ जाएगा 200 माइनस 12 इज इक्वल टू 188, और अगर ये केस देखें तो इस केस में हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ पी हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ क्यू है हमारे पास 200, एफ ऑफ पी आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 200 212 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं कि या तो 188 हो सकती है या फिर 212, तो आइदर ए और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 212 भी गिवन है आपके पास और 188 भी गिवन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी विद टाइम डी, मतलब हमारे पास ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया है सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता है, इसी तरह हमारे पास जो फोर्स और टाइम ग्राफ है वो फोर्स और टाइम के बीच में होता है। द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वहां से आपने देखा है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है या एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपको क्या दे रहा होता है टोटल डिस्टेंस, जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता था वहां पे हमने देखा था कि जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस देता था, तो उसके लिए आप क्या करते थे वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, अगर कोई फंक्शन दिया होता था तो फंक्शन के लिहाज से उसको इंटीग्रेट कर लेते थे, और इसी तरह यहाँ पे जब हमारे पास फोर्स और टाइम दिया हुआ है कोई और हम इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें एफ और टी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर तो वो सीधी सीधी सीधा ग्राफ है, अगर कुछ आपको फंक्शंस की फॉर्म में दिया गया तो आप उसी लिहाज से क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपने ये बताना है कि इस ग्राफ के लिए ये जो एरिया अंडर द कर्व है एफ क्रॉस टी है ये इनमें से कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम बी एफ माइनस एम बी I over T, तो F cross T is equal to MBF minus MBI, इसका मतलब F cross T यहाँ पे भी है और हम एरिया अंडर द जो कर्व है वो भी F cross T ही है, और ये हम देख सकते हैं ये क्या है चेंजिंग मोमेंटम है,
तो इसका मतलब ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो चेंजिंग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही आपका एमसीक्यू था। आई होप सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो लास्ट में पूछिएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी तरह आया होगा पेपर में कि अ पार्टिकल पी मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी। एक पार्टिकल है पी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, मोमेंटम पी है। मेक अ हेड ऑन कोलाइजन विद अ आइडेंटिकल पार्टिकल क्यू। आइडेंटिकल पार्टिकल ये आपने ज़हन में रखना है और पार्टिकल का नाम है क्यू, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब वी टू जो है वो क्या है, जीरो है। बोथ पार्टिकल स्टिक टूगेदर, दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए हैं। अब आपने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। आपको जो रोज दी गई है जिस तरह से दी गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दी हुई है। देन आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू दी, मोमेंटम ऑफ क्यू एंड देन मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ सिस्टम दी हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और आपने पढ़ा था जैसे ही आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में कोई कोलिजन होती है तो जो इनिशियली वेलोसिटी वाला जो है जो कि v1 मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 को असाइन हो जाती है, v2 की वेलोसिटी v1 को असाइन हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद होगी कि जो v1 बार है वो इक्वल होता है v2 के और v2 बार जो है वो इक्वल होता है v1 के। अभी देखिए आपके पास जो v1 है वो आपको पता है v1 में जो चेंज आएगा वो क्या होगा कि वो v2 के इक्वल आ जाएगा। v2 क्या थी, इनिशियली एट रेस्ट थी तो जीरो हो जाएगी और जो v2 है वो v1 की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा और दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसके मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम p/2 है तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो तीन ऑप्शन है इनके अंदर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो कॉन्स्टेंट है तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एनर्जी की। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है जैसे ही दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के बाद जो है कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है। एनर्जी डेसिपेशन की वजह से हम कह सकते हैं जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये ई वाला ऑप्शन भी खत्म और ये वाला ई वाला ऑप्शन भी खत्म। तो इसका मतलब बाकी पर जाने वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है ये क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अच्छा बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपसे कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। एक स्टोन था, पत्थर था, उसका मास m था, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है उसको निगलेक्ट कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से जो स्टेट कौन सी स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट है। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दी गई, स्टोन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस ड्यूरिंग इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोथ एसएन एंड एसएन। मतलब ऊपर चढ़ते ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए वो इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दूसरे ऑप्शन में है टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एसएन एंड एसएन। मतलब ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है। इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे कह रहा है कि लॉ जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व है, इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द टाइम ड्यूरिंग द एसएन। जैसे जैसे पत्थर ऊपर जा रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और इंक्रीज करते हुए क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जैसे कोई चीज जितनी हाइट पे जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऊपर जाते जाते उसकी हाइट में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। और उसके जो चेंज है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh - h1 - h2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो हर जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसको वो जो डिफरेंस है वो चेंज होता जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, खत्म। अब हम इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस वाली बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे एक चीज कोई ऊपर फेंके जाए तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और जो डिस्टेंस है वो बी डी होता है, जब बी कम हो रहा है तो इसका मतलब वो जो इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल पीरियड्स के अंदर बात है इक्वल डिस्टेंस वाली वो भी
गलत है। अब रहेगी बात के टोटल मोमेंटम की या फिर टोटल एनर्जी की। आप सब जानते हैं जो टोटल मोमेंटम होता है वो आपका ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से इसका मतलब है मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ये इस ऑप्शन की अगर बात करें, हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ई टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एक चीज ऊपर जाएगी उस अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा तो वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक नीचे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है कंजर्व रहती है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ठीक था। अभी हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 15 था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अ स्टील बॉल हेल्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एच अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एक स्टील की बॉल थी उसको सरफेस ऑफ लिक्विड से थोड़ा सा ऊपर रखा गया। फर्स्ट कर लीजिए ये क्या है, सरफेस ऑफ लिक्विड है और उस बॉल को यही ऊपर रखा हुआ और ये आपके पास उसकी हाइट है एच इन अ डीप टैंक और ये जो लिक्विड है ये किसी डीप टैंक के अंदर है, ठीक है। That is released और इस बॉल को क्या किया गया है छोड़ा गया है। Which of the following does not affect the terminal velocity of the ball in the liquid? इनमें से कौन सी जो ऐसी चीज है जो कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करती। आपके पास पहला ऑप्शन है डिस्टेंस h, ये वाला डिस्टेंस h है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, वो जो स्फीयर स्टील की बॉल है उसके डायमीटर थे, देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और उस लिक्विड की डेंसिटी, इनमें से कौन सी चीज है जो कि इफेक्ट नहीं करती। हमें पता है जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 2g r² ρ/9 eta, ठीक है। अभी देखिए बच्चे ये जो हमारे पास eta ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो इफेक्ट करेगी, रो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी इफेक्ट करेगी। तो ये दो ऑप्शन रह गए हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर और डिस्टेंस एच। अभी हम फर्ज करें ये डायमीटर है तो इस डायमीटर में और यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है रेडियस पे, जाहिर सी बात है हम बड़ा अगर डायमीटर लेंगे तो उसके लिए जो रेडियस है वो बड़ा होगा, अगर छोटा डायमीटर कर लेंगे बॉल का तो उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब डायमीटर चेंज करने से रेडियस के अंदर क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, तो ये वाली चीज भी इफेक्ट करेगी। और हमने बताया कि कौन सी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो ही हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाता है जिस डिस्टेंस पे उस बॉल को रखा गया है, तो ठीक है, तो डिस्टेंस ये चीज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अच्छा बच्चों तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टू स्केटर्स ऑफ इक्वल मास हैं, दोनों का मास इक्वल है, फेसिंग ईच अदर, दूसरे की तरफ मूव किया है, होल्डिंग हैंड्स टुगेदर विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, उनके जो आर्म्स आउटस्ट्रेच हुए हैं स्पिनिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, और आपके पास जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है और किसके जो है वर्टिकल एक्सिस मिड वे बिटवीन है। अगर फर्स्ट कर ले एक स्केटर यहां पे दूसरे स्केटर यहां पे, तो उनका ये अगर मिड वे बन रहा है तो ये हम उनका क्या था वर्टिकल एक्सिस है। इफ दे मूव क्लोज टुगेदर सो दैट दे हैव द सेपरेशन, अगर वो एक दूसरे के करीब इस तरह से आ जाए कि उनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या हो जाए हाफ हो जाए, दियर न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज, आपने एंगुलर वेलोसिटी बतानी है वो क्या होगी। आप सब जानते हैं ओमेगा जो है वो इक्वल होता है थीटा ओवर टाइम, और ये जो थीटा है ये हमारे पास अगर फर्ज कर ले ये रेडियस ऑफ सर्कल आर है और ये भी एक रेडियस है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, सो इनके बीच मतलब एक आर बन जाए और एक एस जो है वो इक्वल हो आर के, तो हमारे पास जो थीटा यहाँ पे बनता है वो एक रेडियन होता है और ये हमारे पास थीटा क्या है वन रेडियन है। अभी आपने क्या किया है कि इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया, जाहिर सी बात है जब वो इस पे मूव करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ पे था अगर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सेपरेशन है यहाँ पे है दूसरे यहाँ पे है, तो इन्होंने अपनी सेपरेशन को हाफ कर लिया, अब जो उनका सर्कुलर पाथ है वो ये बनेगा, पहले रेडियस ये था अब रेडियस ये रह गया है, मतलब कि अब जो रेडियस है वो क्या हुआ है पहले से भी कम हो गया है, और हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो 4 times कम हुआ है। 4 times कम होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थीटा है वो 4 times कम हो गया है, और थीटा 4 times कम होने का मतलब है हमारी जो वेलोसिटी है, क्योंकि रेडियस
डायमीटर 2 times कम हुआ है, क्योंकि डायमीटर अगर हाफ हुआ है तो रेडियस 4 times कम हो जाएगा पहले वाले रेडियस से, तो इसका मतलब हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है 4 times वो हो जाएगी। इस चीज का आपने क्या रखना है कि डायमीटर कम हुआ था, हाफ हुआ था, तो डायमीटर हाफ होने की वजह से रेडियस 4 times कम होगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आ गई हो तो कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपसे कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स, लिफ्ट है और वो ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ द वेट ऑफ द पर्सन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज w, द वेट शोन बाय द वेइंग स्केल इन द लिफ्ट विल बी less than W, more than W, equal to W, maybe less than or equal to W, depending upon the speed of lift. तो ये आपके पास 4 options थे। अभी देखिए कि हमारे पास हमें पता है कि जैसे ही कोई लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो उस केस में हमारे पास जो न्यू वेट है वो इक्वल होता है W+ma के, और इससे हम देखिए बता सकते हैं कि जो वेट है वो ओरिजिनल वेट से क्या आता है ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये लेस देन वाली और मोर देन और मोर देन लेस देन वाली जो कंडीशन ये क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, और लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो कंडीशन रहेगी मोर देन W और इक्वल टू W, यहाँ पे हम मोर देन W लगा तो सकते हैं लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कंडीशन थी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की, और यहाँ पे ए हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा 0, और जो हमारे पास टेंशन है वो इक्वल आ जाएगी W+0 और टेंशन इज इक्वल टू W, तो इसका मतलब हमारे पास जो उसका वेट होगा स्केल के ऊपर वो अपने ओरिजिनल वेट के इक्वल ही आएगा, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इक्वल टू W, मोर देन W वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इस चीज का आपने क्या रखना है। अभी हम अपना डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें आपसे वो कहता है कि अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। एक्स और ए और एक्स के बीच में उन्होंने कुछ ग्राफ्स दिए हैं, 4 ग्राफ्स के बीच में बताना है कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की। अब फर्ज करें आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम उसकी डिस्कस कर लेते हैं पेंडुलम की, ठीक है, या फिर आप स्प्रिंग की डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फर्ज करें पहले स्टार्ट में जो मीन पोजीशन पर ये थी, अब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले आए हैं, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुआ है, ये उसकी ए पोजीशन है और ये उसकी पोजीशन बी है, ठीक है। अब जब उसको ओ से ए की तरफ लेके आए हैं तो इसका मतलब है जैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे हमें पता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अभी देखिए जैसे जैसे इसका एक्सेल मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है हमें पता है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है, तो इसका मतलब है उसमें जो चेंज आ रहा है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सा चेंज होगा नेगेटिव चेंज होगा। और मैंने एक और बात की कि उसका जो सेंटर है सेंटर पे मीन जो उसका एक्सेलरेशन वो 0 होगा, और यहाँ पे भी बात वही है, तो हम इन ग्राफ को अगर देखते हैं तो इस ग्राफ को तो वैसे ही कोई चांस नहीं बनता क्योंकि इसका जो मीन पोजीशन है सेंटर है सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 नहीं कह रहा, वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही हो सकता है इन तीनों में जो उसकी मीन वैल्यू है सेंटर पे जो वैल्यू है ओरिजिन पे वो 0 है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। अभी ये ग्राफ देखिए तो इसमें क्या आ रहा है दोनों में ही चेंज आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मैंने भी आपको बताया कि उसमें जो चेंज आएगा वो नेगेटिव चेंज होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में अगर देखें तो आपके पास टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसमें चेंज तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव चेंज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन बचता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और उसमें चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा जरूर, इंशाल्लाह हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अच्छा तो बच्चों अभी ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ एल इज नोन टू ऑसिलेट विद अ पीरियड टी सेकंड्स,
पेंडोलम है उसकी लेंथ है और 30 सेकंड्स के साथ ऑसिलेट कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडोलम इज इंक्रीज टू 2L, उसकी जो लेंथ है उसको L से कर दिया जाए, 2L मतलब डबल कर दी जाए, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडोलम रिमेन्स सेम, और जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है दोनों केसेस में सेम ही रहे, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम बॉब। तो आप सब जानते हैं कि आपके पास जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2πL/g। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड है लेकिन हमने उसकी क्या फाइंड करनी है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपकी इसी टॉपिक के अंदर एक इक्वेशन है a = -gl/x। ठीक है, g/l/x। इस इक्वेशन में ये जो a है इसको कहा जाता है यील्ड। ठीक है, और ये जो यील्ड है ये आपको बता दिया कि आपको कितनी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये जो यील्ड है ये किस एल के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपने यहां पे एल को क्या किया है इंक्रीज कर दिया है 2 times, तो इसका मतलब है इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपके पास ए वाला जो ऑप्शन है डिक्रीज ए ऑप्शन। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपसे कहता है कि टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एल एंड 2L आर स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ। दो कॉपर की वायर्स है, दोनों की लेंथ एक की एल है दूसरे की 2L है, दोनों को एक ही फोर्स के एफ के साथ स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच करने से कह रहा है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल इज ए, ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 2L, जो 2L है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा अगर इफ द एक्सटेंशन इन बोथ वायर्स इज सेम। कि जब फोर्स लगाई गई थी, फोर्स लगाने के बाद जो दोनों में एक्सटेंशन आई है, जो चेंज इन लेंथ आया है वो क्या हो सेम हो। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि हमारे पास यंग मॉडुलस जो है वो या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और ये हो जाएगा एफ ओवर ए इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल इज इक्वल टू वाई। यहां से हम वाई के वैल्यू को जी सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इनटू ए। हमने डेल्टा एल निकालना, डेल्टा एल की वैल्यू यहां से निकल आएगी वाई ए ओवर एफ क्रॉस एल। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा एल आ गया और हमें पता है कि दोनों चेन जो लेंथ है उनके अंदर एक्सटेंशन कितनी है सेम है। अगर हम इसको कह लें कि हमारे पास डेल एल वन जो है वो इक्वल है डेल एल टू के, तो ये आ जाएगा वाई ए, ए मतलब इसको हम वन कह लेते हैं, देन एफ क्रॉस एल इज इक्वल टू वाई, और हमारे पास यहां पे एल ए जो है वो ए टू आ जाएगा, देन एफ क्रॉस एल, और यहाँ पे जो एल है वो टू के इक्वल है। हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमने कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, ये वाई इस वाई से कट जाएगा, फोर्स फोर से कट जाएगी, और ये जो टू एल है इस एल से कट गया, और यहां पे हमें निकल आया कि जो ए टू है वो इक्वल है टू ए वन के। मतलब हम क्या करें, दोनों के जो चेंज इन लेंथ है दोनों का निकालें, दोनों को आपस में कंपेयर करें, वहां पे कंपेयर करने के बाद हम जो उनके अंदर चेंज आया वो चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो कितना आया है वो 2a है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि जो आपके पास वायर 2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहली वायर से डबल है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला जो एमसीक्यू है वो क्लियर होगा। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड वायर 1000 मिलीमीटर लॉन्ग इज 250 हर्ट्ज। 1000 मिलीमीटर की आपके पास एक स्ट्रेच वायर है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 250 हर्ट्ज है,
when the wire is shortened to 500 meter, आपने लेंथ को क्या किया है 1000 मिलीमीटर से हाफ कर दिया है और आपके पास रह गई है 500 मिलीमीटर। इसका मतलब है आपने लेंथ को क्या किया है हाफ कर लिया है। ठीक है, एट द सेम टेंशन व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी टेंशन के ऊपर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एल टी ओवर एम अंडर रूट। अभी हमें पता है जो लेंथ है वो क्या हो गई है हाफ हो गई है, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 एफ जो न्यू है एल बाय 2 टी ओवर एम, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 2 एल टी ओवर एम अंडर रूट। तो इसका मतलब है एफ जो न्यू है वो एफ 1 के इक्वल आ जाएगा और एफ 1 हमारे पास कितनी है 250 हर्ट्ज, तो 250 हर्ट्ज हम इसमें जब पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 500 हर्ट्ज। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी 500 हर्ट्ज। आई होप सो आपके ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, इसमें आपको गिवन था कि कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इल्यूमिनेट्स टू नैरो पैरेलल स्लिट्स एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हिच रिजल्ट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन सम डिस्टेंस बियॉन्ड द स्लिट्स। देन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन विल इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द डार्क लाइंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, और आपको ऑप्शंस दिए हुए थे यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ longer wavelength, decreasing the distance between the screen and the slits or increasing the distance between the slits। हम जानते हैं कि ये अगर हमारे पास दो slits हो और दो slits का जो कुछ pattern है वो इस तरह की बनते हैं, पहला pattern अगर यहाँ पे तो दूसरा pattern ये बनेगा, तो ये separation between आपके पास आ जाएगी patterns, तो ये dark lines के बीच जो separation है उसको y से किया हुआ है और ये हमें पता है y equal होता है lambda l over d। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी वाला केस तो यहाँ पे है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी वाले केस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। देन कह रहा है कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है, वो अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस जो है स्पेशल है ये कम हो जाएगी, हमने स्पेशल को क्या करना है बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देन कह रहा था इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, अगर हम डी को इंक्रीज करते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं, डी बढ़ेगा तो इसका मतलब डेल वाई फिर कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है वेवलेंथ क्या है आपके पास लैम्डा इंक्रीज होगा तो डेल वाई इंक्रीज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है और जो एफ है वो लैम्डा की क्या है उलट है, इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें लैम्डा कम करना पड़ेगा, जब हम लैम्डा कम करेंगे तो स्पेशल अगेन कम हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे पूछिएगा जरूर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था, इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास एयर बाउंड्री फॉर विच द क्रिटिकल एंगल इज सी। ग्लास एयर बाउंड्री है और उसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है इंसिडेंट हो रही है, उसका क्रिटिकल एंगल है सी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नोन टू बी द हाफ ऑफ द हाफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द क्रिटिकल एंगल सी इज। बच्चों हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो c इज इक्वल टू होती है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो इस मीडियम के अंदर ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c बाय 2 है, मतलब जो c आपके पास न्यू है वो इक्वल है c बाय 2। तो क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई आप इस वैल्यू का थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर, ये जो आपके पास आई है वैल्यू मतलब ये 1 ओवर 2 है तो आप यहाँ पे 2 ले लेंगे, वैसे इसको यू से ज्यादा किया जाता है तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए और हमें पता है कि ये जो साइन 1 इनवर्स 1 ओवर 2 है वो इक्वल होता है
30 डिग्री के, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी क्लियर है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, चलो आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 में वो आपसे कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द सेम एज दैट ऑफ 1 kg ऑफ हीलियम गैस इफ, पहला ऑप्शन है द गैसेस हैव सेम इंटरनल एनर्जी, दूसरा है द गैसेस गैस मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई इक्वल वॉल्यूम, और चौथे में है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव द इक्वल रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो देखिए बच्चे आपके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने 11th चैप्टर के अंदर कि आपके पास जो वैल्यू होती है रूट मीन टेम्परेचर की वो इक्वल होती है 3 ओवर 3 k इंटू काइनेटिक एनर्जी का T = k काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो उसी केस में इक्वल हो सकता है जब उनकी रूट ये जो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाए सेम हो जाए। इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन था गैस मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज आया होता है, होप सो आपको ये वाला एमसीक्यू भी क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 25। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 था 2017 के एकेडमी, इसमें आपसे पूछा गया था कि अ वायर लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं मैग्नेट आपके पास दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल है जिसके, और उसके बीच में एक लूप है आपके पास उसको प्लेस किया हुआ है। इफ द वायर लूप इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, इस लूप को आप क्या करते हो क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ठीक है। क्लॉकवाइज आपने इसके अंदर इसको रोटेट किया, रोटेट करने से फिर क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंस्टेंटेनियस करंट इन द पी क्यू सेगमेंट इज करेक्ट। इस पी और क्यू जो सेगमेंट है ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट में इंस्टेंटेनियस करंट की जो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। हमें पता है कि इस पूरे के पूरे लूप के अंदर ये वाली दो साइड्स बाहर दो साइड है जहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है देयर विल बी नो करंट, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि इस लाइन सेगमेंट के अंदर और इस लाइन सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई करंट जरूर प्रोड्यूस होना है, ठीक है। अभी हमें देखना यह है कि यहाँ पे जो द डायरेक्शन ऑफ करंट है वो विल बी फ्रॉम पी टू क्यू है या फिर क्यू टू पी है, और ये वाला जो ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी क्यू सेगमेंट विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, और हमें पता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रेजिस्टेंस ऑफ लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब ये दो ऑप्शंस रह गए। अभी देखिए ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है हमें पता है इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी और इस पॉइंट के ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी, ये वाली जो फोर्स है ये आउट ऑफ द पेज होगी, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वाली जो फोर्स है ये इनटू द पेज होगी, तो इसका मतलब है जब ये फोर्स इनटू द पेज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो क्या हो जाएगी डाउन टू अपवर्ड मतलब क्यू टू पी, तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम क्यू टू पी, तो यही आपके पास आपका एमसीक्यू था। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है, कह रहा है कि इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नीचे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन था द पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, चौथा ऑप्शन था द पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मुझे ये एमसीक्यू पूरे के पूरे जो EK 2017 है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, ठीक है। अब देखिए बड़े मजे की बात है, हमें पता है कि जो हम जब अगर बात करते हैं किसी चार्ज की तो उसे जितना दूर होते जाते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होती जाती है, तो ये वाला जो एमसीक्यू है ना वो मोस्टली बच्चे की कोशिश करेंगे वो यही लगाएंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट डिक्रीज, हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब फर्ज करें हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कुछ इस तरह से फर्ज कर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड है,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। और हमने बात करनी है डायरेक्शन के लिहाज से, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीज। तो इस केस में अगर देखें तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में डिक्रीज हो रही है। इसका ये ऑप्शन भी गलत। इसकी देख लेते हैं ये ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीज, तो इस केस में डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन इस केस में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज। पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए। आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है, जैसे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और आप जितना नेगेटिव चार्ज की करीब आते हैं उसके केस में भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। आप इससे जितना दूर जाएंगे या इस नेगेटिव चार्ज के जितना करीब आएंगे, हमेशा उस डायरेक्शन में आपके पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है? इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो आईसो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 27। अच्छा तो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, हाफ लाइफ के रिलेटेड है। इसमें आपसे कहता है कि द सोर्स इनिशियली कंटेन्स एन नॉट न्यूक्लाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव मिक्सचर, हाउ मेनी ऑफ द न्यूक्लाई हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ थ्री हाफ लाइफ्स। तीन हाफ लाइफ्स के बाद कितनी जो न्यूक्लाई है वो डिके हो चुके होंगे। पहला ऑप्शन देता है एन नॉट बाय 8 का, दूसरा ऑप्शन है 7n नॉट बाय 8, तीसरा ऑप्शन है एन नॉट बाय 2, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपके पास 15n नॉट बाय 16, ठीक है। तो हम इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। हमें पता है जैसे कोई हाफ लाइफ होती है, पहली हाफ लाइफ के बाद जो न्यूक्लाई है वो क्या रह जाएंगे? हाफ। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसके भी हाफ हो जाएंगे, तो एन नॉट 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ जाएगा एन नॉट बाय 4, और जो तीसरी हाफ लाइफ होगी उसमें हो जाएगा एन नॉट बाय 8। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने डिके हो चुके हैं तीनों इंटरवल्स में, हमें सिर्फ तीसरे इंटरवल का नहीं बताना। एन नॉट बाय 8 ऑप्शन नहीं होगा इसका, बल्कि हम तीनों इंटरवल्स के जो डिके हुए हैं उनको ऐड करेंगे। एन नॉट बाय 2 प्लस एन नॉट बाय 4 प्लस एन नॉट बाय 8, देन ये हमारे पास आ जाएगा 8 4 एन नॉट प्लस 2 एन नॉट प्लस एन नॉट, तो ये आ जाएगा 7 एन नॉट डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने जस्ट तीसरे इंटरवल का नहीं बताना, तीनों इंटरवल्स का बताना है कि कितने डिके हुए हैं, ठीक है। यहां पे अगर पूछा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन की रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा तो बच्चा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। इसमें आपसे कह रहा है कि the electrons in a cathode ray tube are accelerated from a cathode to anode by a potential difference of 2000 volt। आपको potential difference कितना दिया हुआ है? 2000 volt का, ठीक है। If this potential is increased to 8000 volt, V2 क्या है? 8000 volt है, which is equal to 4 into 2000 volt, और जो इक्वल आ जाएगा 4V1 के, ठीक है। मतलब आपने उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। द इलेक्ट्रॉन विल अराइव एट एनोड विद, ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार, जो पहला ऑप्शन है कि ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी, 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स द वेलोसिटी। थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस द वेलोसिटी, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन 16 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड 4 टाइम्स द वेलोसिटी। आपने बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अभी हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है या जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो के ई जो है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे जहां ट्वाइस है तो ये भी खत्म हो गया, यहां पे हमारा 16 टाइम्स है तो ये भी खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन रह गए हमारे पास, ट्वाइस 4 टाइम्स का काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स का काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके लिए आपने कैथोड रे ट्यूब के अंदर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ve/m। अब ये जो वेलोसिटी है यहां इसका क्या है? अंडर रूट है। इसका मतलब 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो
टू आएगा तो ट्वाइस द वेलोसिटी, ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। 16 टाइम्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या है, अंडर रूट है। तो ट्वाइस द वेलोसिटी एंड 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो आपको ये वाला एमसीक्यू भी क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 20 और 30। छोटे छोटे एमसीक्यू है, सीधे सीधे आए हुए आपको इंशाल्लाह आते होंगे अभी। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, एक डायग्राम दी हुई थी इसी तरह से, उसके बारे में उसको कहता था 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी, या आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सप्लाई है एज शोन इन द डायग्राम। और ये तीनों बल्ब जो है वो क्या है, क्या नाम इसका, लाइट बल्ब है, वो ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। ईच बल्ब ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल ब्राइटनेस, हर बल्ब जो है वो एक नॉर्मल ब्राइटनेस के ऊपर काम कर रहा है, एंड एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स आर स्टैटिक करंट। ये आपके पास जो एमीटर लगा हुआ है, ये इसके अंदर से गुजरने वाला जो फ्लो होने वाला करंट है उसको काम करता है, ठीक है। देन कह रहा है कि वन मोर बल्ब लाइट बल्ब इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3 बल्ब्स, इन तीनों बल्ब के पैरेलल में एक और बल्ब अगर लगा दिया जाए, ठीक है, चौथा बल्ब भी लगा दिया जाए, तो आपसे पूछ रहा है What happens to the ammeter reading and the brightness of 4 bulbs? ये जो चारों बल्ब है इनकी ब्राइटनेस और इस ammeter की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आपको ये बात तो पता है कि जैसे ही हमने बल्ब लगाया है तो इस सोर्स के ऊपर जो लोड है वो बढ़ गया है। जब लोड बढ़ा है तो इसका मतलब है उसके लिए करंट सप्लाई भी बढ़ेगी। जब करंट सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है ammeter reading increases, मतलब ये भी बढ़ रहा है, दूसरे में ammeter reading increases, मतलब ये दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में ammeter reading is unchanged, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता कि वो चेंज ही नहीं होगी, आपने बल्ब लगा लिया फिर भी, तो ये ऑप्शन खत्म। चौथा ऑप्शन ammeter reading decreases, वो डिक्रीज कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि आपने बल्ब का इजाफा किया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब ये दो ऑप्शन रह गए, ठीक है, हमने बताया कि ammeter की रीडिंग इंक्रीज करेगी, लेकिन क्या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज होगी या नहीं होगी? तो उसका ऑप्शन यही है कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, तो रिमेन्स अनचेंज्ड में आपके पास ये वाला ऑप्शन भी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और जो 30th एमसीक्यू आया था पेपर में वो ये था, मुझे एक ट्रुथ टेबल दिया था, उसके बारे में कहता था द ट्रुथ टेबल शोन इन फिगर इफ इम्प्लीमेंटेड बाय, कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये इन चारों में से किस गेट के जरिए से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया था नॉर गेट, दूसरा एंड गेट, चौथा और गेट, और था एक्स और गेट। हमें पता है नॉर गेट का तो 0-0 पे 1 होगा, बाकी सबके लिए 0 होगा, तो ये भी खत्म। एंड गेट में 1-1 पे 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे, तो ये भी केस नहीं है। और गेट में क्या होता है, सभी पे 1 होता है, तो ये केस भी नहीं है। एक्स और गेट रह गया, तो ये हमारे पास एक्स और गेट का ही ट्रुथ टेबल है, क्योंकि एक्स और गेट ही वो गेट है जो कि जब इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट हमेशा 1 देता है, और जब आउटपुट्स सेम हो तो उसके लिए जो आपके पास इनपुट सेम हो तो उसके लिए जो आउटपुट है वो 0 देता है, ठीक है। और एक्स नॉर गेट की बात कर लीजिए, उसमें केस थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या करता है कि डिफरेंट पे 0 देता है, सेम पे 1 देता है, ठीक है। तो ये आपके 30 एमसीक्यूज थे जो कि पेपर का हिस्सा थे, हमने पूरे के पूरे जो 30 एमसीक्यूज उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, उनके पीछे की लॉजिक्स को भी डिस्कस किया है। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई। पावर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं शहजाद लतीफ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पास्ट पेपर ऑफ ईकैट 2019 को। इसमें हम फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे, और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अ 10 वोल्ट डिवाइस नीड्स मोर देन 1000 वोल्ट इनपुट टू ऑपरेट, मतलब कि हमारे पास एक डिवाइस दी गई है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 10 वोल्ट है, और उसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ऑफ वोल्ट वो है ग्रेटर देन 1000 वोल्ट्स। इफ द मेन सप्लाई इज नाउ टू फ्लक्चुएट बिटवीन 200 एंड 250 वोल्ट्स, आपके पास जो मेन सप्लाई है वहां पे 200 से 250 के बीच में फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। द टर्न्स रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया गया और आपने उसकी कैलकुलेट करनी है ns ओवर np, मतलब टर्न्स रेशियो कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिवाइस मस्ट बी। अभी देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो गौर करने वाली बातें वो ये है कि हमारे जो डिवाइस दी गई है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका मतलब है ns जो है वो np से ग्रेटर है,
एक बार, और ये जब हम इसकी रेशियो लेंगे वो मोर देन 1 आएगी, तो हमें जो ऑप्शन दिए गए वो भी मोर देन 1 ही है। इसका मतलब है हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, हम कैलकुलेट किए बगैर नहीं बता सकते। ठीक है, एक तो एनएस ज्यादा है एनपी से, दूसरा हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे बात याद रखनी है, 200 and 250 जो है ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ये 1000 आपका इनपुट वोल्टेज नहीं है। आपको 1000 वोल्टेज चाहिए उस डिवाइस को, मतलब आप ट्रांसफार्मर से गुजार कर उस डिवाइस को दे रहे हैं इनपुट, इसका मतलब ये जो मोर देन 1000 वोल्ट है ये आपकी आउटपुट है। आउटपुट होने का मतलब है ये आपका क्या होगा, 20 सेकेंडरी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 200 and 250 में से आप कौन सा वोल्टेज देंगे ये भी एक बात है। अभी देखिए हमारे पास जब हम 250 को स्टेप अप करना चाहेंगे, इसके लिए हमें जो टर्न्स रेशियो है वो कम चाहिए होगी एज कम्पेयर टू 200 वाले से। इसका मतलब है जब हम 200 को स्टेप अप करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे 200 वाले को ही भी प्राइमरी के तौर पर कंसीडर करके ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अभी देखिए हमें पता है कि जो पावर है वो इक्वल होती है वी आई के, और जो पावर अगर हम इसको कह रहे हैं वी प्राइमरी, पावर प्राइमरी है तो वी प्राइमरी आई प्राइमरी आ जाएगा। पावर हमें दी गई है 10 वोल्ट, वी प्राइमरी हमारे पास 200, आई प्राइमरी हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ से आई प्राइमरी है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10/200 विच इज इक्वल टू 1/20, ये हमारे पास क्या आ गया आई प्राइमरी एम्पेयर्स। ठीक है, इसी तरह हम आई स्कैंडी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई स्कैंडी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पावर हमारे पास 10 ही है लेकिन हम मिनिमम जो है हमें 1000 वोल्ट है तो हम 1000 वोल्ट को ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो टर्न्स रेशियो उससे ज्यादा होगी क्योंकि हमें मोर देन 1000 वोल्ट चाहिए, लेकिन अभी हम 1000 वोल्ट के लिए ही कैलकुलेशन करेंगे। 1000 वोल्ट रखा हमने तो ये हमारे पास आ गई 1/100 एम्पीयर। आपके पास आई स्कैंडी भी आ गया और आपके पास आई प्राइमरी भी आ गया, और हमें पता है जो टर्न्स रेशियो एनएस ओवर एनपी है वो इक्वल होता है आईपी ओवर आईएसके। ठीक है, आईपी है हमारे पास 1/20 और आईएस है हमारे पास 1/100, और ये इक्वल हो जाएगा 100/20 व्हिच इज इक्वल टू 5। आपके पास जो टर्न्स रेशियो है वो आई है 5, अगर आपके पास वोल्टेज कितना हो 200 हो और उस डिवाइस को कम से कम वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड हो 1000 हो, लेकिन हमें पता है कि जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो 1000 से ज्यादा है, तो ये जो टर्न्स रेशियो है एनएस ओवर एनपी ये भी 5 से क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर है मोर देन 5 ये करेक्ट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा तो बच्चों अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमको कह रहा है कि एट 60 हर्ट्ज एंड इंडक्टिव सर्किट हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, मतलब हमें XL और R गिवन है, XL भी 100 ओम है और R भी 100 ओम है। व्हेन कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, जब आप इसको 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं द करंट विल अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम एन एवरेज पावर ऑफ, आपने इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। अभी देखिए बच्चे हमें पता है कि जो एवरेज पावर है इसके लिए हमें वोल्टेज और करंट चाहिए, तो वोल्टेज हमें गिवन है कितना है हमारे पास 120 वोल्ट और ये क्या है एसी सप्लाई है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, देन हमें ये पता है कि जो इंपीडेंस है आर एल सर्किट के लिए वो इक्वल होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, आप यहाँ पे ओमेगा एल भी लिख सकते हैं एक्सएल की जगह पे, लेकिन हमें एक्सएल की बने तो हम एक्सएल ही लिखेंगे, आर भी हमारे पास 100 है और एक्सएल भी 100 है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 100 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है इंपीडेंस, इस इंपीडेंस और वोल्टेज की मदद से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है जो करंट है वो इक्वल होगा V ओवर Z के, V है हमारे पास 120 और Z है हमारे पास 100 इंटू अंडर रूट 2, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है करंट। अभी पता है बच्चे यहां पे हमारे पास जो वोल्टेज है ये V नॉट है हमारे पास, यहां से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू, जब भी आरएमएस कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी 120 ओवर अंडर रूट 2, ये हमारे पास वोल्टेज भी आ गया और करंट भी आ गया, हमें पता है जो पावर है वो इक्वल होती है V आई के, V है हमारे पास 120 ओवर 100 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 120 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है,
ये हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। जब हम इस पूरी पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 200 ओवर, ये आ जाएगा 14400, ठीक है। देन हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 72 वॉट्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 72 वॉट्स, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है कि अ स्विंग इज हेल्ड बाय टू वर्टिकल रोप्स इफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वेट ऑफ अ पर्सन इज 1000 न्यूटन। आपको वेट दिया गया है और आपको बताया गया कि उसको दो वर्टिकल रोप्स के साथ क्या किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है आपने। देन द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ ईच रोप मस्ट बी, अभी देखिए आपको बताया कि जो हमारे पास वेट है, अगर ये आपके पास दो वर्टिकल रोप्स हो और इनके जोड़कर यहाँ पे आपने एक वेट हेल्ड किया हुआ है 1000 न्यूटन का और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको पता है कि जो ये वेट है ये क्या होगा, इसके सेंटर में लाई कर रहा होगा। जब इसके सेंटर में लाई करेगा तो ये वेट क्या होगा, दोनों साइडों पे इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 500 न्यूटन इस साइड पे, 500 न्यूटन इस साइड पे। तो इन रोप्स की जो ब्रेकिंग टेंशन है वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 500 न्यूटन होगी। 1000 न्यूटन हो नहीं सकती, ये भी 1000 न्यूटन से ज्यादा है, इसको मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं, ये 500 न्यूटन से कुछ ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो ये 700 समथिंग बनेगी, तो आपके पास जो फोर्स है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 500 न्यूटन आएगी। कि आपका ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि इन रोप्स को टूटने के लिए जो टेंशन रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 500 न्यूटन से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कह रहा है कि अ 1 kg बॉल मूविंग इन सम डायरेक्शन एट 8 मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी दी गई है 8 मीटर पर सेकंड एक बॉल की, हिट्स अ 4 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन। मतलब आपके पास एक बॉल है उसका मैस है 1 kg और एक बॉल है उसका मैस है 4 kg, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये 1 kg वाली बॉल जो है वो 4 kg वाली बॉल से टकराती है, इसकी जो वेलोसिटी है v1 है वो इक्वल है 8 मीटर पर सेकंड और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड। देन वो कह रहा है कि अज्यूम दैट 1 kg बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, जो 1 kg बॉल है वो क्या हो गई है, रुक गई है। इसका मतलब जो v1 में चेंज है वो क्या हो गया है, 0 हो गई है, v1 चेंज होकर 0 हो गई है, ठीक है। देन कह रहा है कि What will be the velocity after collision of the 4 kg ball? V2 में जो change आया है वो आपने calculate करना है। इस बार 1 kg ball stops, मतलब V1 क्या हो गया, 0 हो गया। पहले वो कितना था, 8 था, 8 से directly change हो गया, वो कितना आ गया है, 0 पे। अभी देखिए हमें पता है कि जो momentum का conservation का law हमें बताता है कि m1 v1 plus m2 v2 है वो equal होगा m1 v1 bar plus m2 v2 bar के। m1 हमारे पास कितना है 1, V1 है हमारे पास 8 प्लस M2 हमारे पास है 4 और V2 है हमारे पास 6। इसी तरह M1 अभी भी 1 ही है लेकिन V1 क्या हो गया, 0, M2 हमारे पास 4 है और V2 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां से हम ये सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 plus 24 which is equal to 4 V2 bar 32 over 4 is equal to V2 bar और V2 जो bar है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 meter per second। मतलब कि उसकी velocity क्या हो गई है, पहले से बढ़ गई है, क्योंकि पहले वाली ball क्या हुई है, stop हुई है और हमने क्या करना था, momentum को conserve रखना था, इस वजह से V2 में क्या हो गया, इजाफा आ गया और V1 क्या हो गई है, 0 हो गई है और हमारा जो correct option है यहाँ से बनेगा 4 8 meter per second, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कह रहा है कि अ 2 kg पैकेट इज रिलीज्ड बाय अ स्पेसशिप मूविंग एट 3600 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर अबव द प्लैनेट्स सरफेस। कि एक प्लैनेट है उसकी सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर एक स्पेसशिप है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है और उसमें से एक 2 किलोग्राम का पैकेट है उसको छोड़ा गया है। इफ द पैकेट रीच द प्लैनेट सर्फिस इन 100 सेकंड, वो 100 सेकंड के बाद प्लैनेट की सर्फिस पे पहुंच जाता है पैकेट, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जी ऑन दिस प्लैनेट, और उस प्लैनेट पे आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे टी है हमारे पास 100 सेकंड और हमारे पास मैस है 2 kg
जी को कैलकुलेट करना है। और ये जो हमारे पास स्पीड गिवन है यहाँ पे 3600 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? स्पेसशिप की स्पीड है, ना के उस पैकेट की, ये आपने याद रखना है। आपको मालूम है कि जब पैकेट को छोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, उस टाइम पे स्टेशनरी होगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे आपको उसको जो छोड़ा गया वो 10 किलोमीटर की हाइट से छोड़ा गया था, इसका मतलब जो उसकी हाइट है उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो उसकी डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा 10 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 10,000 मीटर, ठीक है, ये आपके पास ऐसा आ गया। और हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इक्वल होती है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। s हमारे पास क्या है, 10,000, vi 0 है तो ये vit क्या आ जाएगी, 0 प्लस हाफ g की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और टाइम हमारे पास कितना है 100 सेकंड, 100 का आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, यहां पे ये इधर से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20,000 which is equal to g into, ये आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 को जब आप 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब उस प्लैनेट के ऊपर जो प्लैनेट की सरफेस है ग्रेविटेशनल फोर्स जो g है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ट्रक इज 10^5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक ट्रक है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताई गई है वो कितनी है, 10^5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। द ट्रक्स ब्रेक फेल्स, उसकी जो ब्रेक्स है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, एंड इट रन्स इनटू अ शुगर केन फील्ड, वो एक गन्ने के खेत में चला जाता है। कमिंग टू रेस्ट आफ्टर 50 मीटर, और 50 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या जाती है, 0 जाती है, वो रुक जाता है। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द शुगर केन फील्ड, आपने रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है। और आपको गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी है 10^5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो है आपके पास डिस्टेंस है 50 मीटर का। अच्छा बच्चों, तो आपको पता होगा कि आपके पास जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है एफ डी का, और ये जो वर्क डन है ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के, इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी एफ डी के। हमने एफ कैलकुलेट करना है तो एफ इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10^5 है, मतलब 1 × 10^5 डिवाइडेड बाय डी हमारे पास कितना है 50 मीटर। यहां से हमारे पास 10^5 को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और डिवाइडेड बाय 50, ये 0 से कट जाएगा तो ये 2 और आ जाएगा आपके पास आंसर 2000 न्यूटन। इसका मतलब उस गन्ने के खेत की जो रिटार्डिंग फोर्स थी वो कितनी थी, 2000 न्यूटन, और आपका जो आंसर है वो क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे कह रहा है कि अस्यूम बदर वन सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 10 आवर्स। एक आपको सैटेलाइट बताया हुआ है बदर वन है, उसका आपको टाइम पीरियड गिवन है 10 आवर्स, आप इसको T1 के लिख लीजिए 10 आवर्स। आफ्टर एवरी हाउ मेनी आवर्स विल बदर वन ऑर्बिट अर्थ इफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज ट्वाइस द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ बदर वन। मतलब आपको एक दूसरा सैटेलाइट दिया गया है बदर टू, उसका आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, अगर उस बदर टू का जो रेडियस है बदर वन की रेडियस से क्या हो, डबल हो। अगर हम बदर वन की रेडियस को R1 और बदर टू की रेडियस को R2 के हैं तो R2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2R1 के। हमें पता है जो रेडियस है ऑफ अ सैटेलाइट है वो इक्वल होता है ऑर्बिटल रेडियस जो है उसके, R = gmt² / 4π² पूरे की पावर 1/3। यहाँ पे हमारे पास अगर R1 हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें T1 की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, T1 हमारे पास 10 आवर्स है, 10 आवर्स का हम स्क्वायर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 gm/4π² पूरे की पावर 1/3। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया R1। अगर हम इस फॉर्मूला से T के
वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। आर क्यूब इक्वल आ जाएगा जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। यहां से जो टी है वो इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब ओवर जी एम और इस पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया टी के फॉर्मूला। इस टी के फॉर्मूला से हम इस टी टू को कैलकुलेट कर सकते हैं। टी टू जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर, हमें पता है इक्वल है 2R1 के, 2R1 पूरे का क्या आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम और इस पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा टी स्क्वेयर इक्वल टी वन टू टू आ जाएगा इक्वल 4 पाई स्क्वेयर 8R1 क्यूब जी एम और इस पूरे का अंडर रूट 4 पाई स्क्वेयर 8R1 हमारे पास है 100 जी एम ओवर 4 पाई स्क्वेयर और इसकी पावर है 1/3 और इस पूरे का यहाँ पे क्यूब भी है। ठीक है, यहाँ हमें याद रखना है यहाँ से ये आ जाएगा जी एम, ये 3 से कट जाएगा और पूरे का अंडर रूट भी है। ठीक है, अभी हमें पता ये जो जी एम है ये इस जी एम से कटेगा, ये 4 पाई स्क्वेयर इस 4 पाई स्क्वेयर से कटेगा। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 × 100 इक्वल आ जाएगा टी टू के, ये 4 और 100 का क्या आ जाएगा 400 और ये 4 का आपके पास डबल रूट लेंगे 2 आएगा, 100 का अंडर रूट आएगा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अंडर रूट 2 आपके पास क्या आ जाएगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, आज क्योंकि हमें जो टाइम पीरियड है वो आवर्स में दिया हुआ था तो इस वजह से ये भी क्या आ जाएगा आवर्स में। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा 20 × √2 आवर्स। ठीक है, आई ऑल्सो आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा, ये हमने सारी सर की इक्वेशन किस तरह की ये भी आपको क्लियर होगी। अभी हम देखते थे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों को हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। एक इलेक्ट्रिक फैन है वो अपनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड अटेन कर रहा है कितनी देर में, आफ्टर 15 रेवोल्यूशंस 15 रेवोल्यूशंस के बाद। अस्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, का जो एक्सेलरेशन है उसको अगर कांस्टेंट कंसीडर किया जाए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अटेन इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें वो अपनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी को अटेन करेगा। यहां पे हमारे पास जो ओमेगा है वो इक्वल है 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड और हमारे पास जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है वो है 15 रेवोल्यूशंस और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा के साथ, तो थीटा है 15 रेवोल्यूशंस। ठीक है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। बच्चों आपको पता है कि ए आप जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं वो इक्वल होती थी s is equal to vit plus half gt square। अगर आप इसी फॉर्मूला को एंगुलर मोशन के लिहाज से लिखते हैं तो वो इक्वल आता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है जो आपके पास फैन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो ओमेगा आई क्या हो जाएगा जीरो, थीटा आपके पास क्या है 15, जीरो प्लस हाफ अल्फा इक्वल है ओमेगा ओवर टी के टी स्क्वायर, ये स्क्वायर टी से कट जाएगा 15 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा आपके पास कितना है 5, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी और टी आ जाएगा इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। इसका मतलब है वो 6 सेकंड के बाद क्या करेगा अपनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा 6 सेकंड्स। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि टू कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून वी नीड टू नो। आपने क्या कैलकुलेट करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी, एक सैटेलाइट की जिसको आपने मून के गिर्द क्या करवाना है ऑर्बिट कर
करवाना है किसके अंदर, एक सर्कुलर रेडियस के अंदर। आपको पता है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट। ये आपके पास g क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, m क्या है मास ऑफ प्लेनेट है, और r क्या है उसका ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, अब ये जो मैस है, ये मैस ऑफ प्लेनेट है, ये बात आपने याद रखनी है, ये मैस ऑफ अर्थ नहीं है। आपने अगर किसी सैटेलाइट को एक ही प्लैनेट के गिर्द या किसी भी चीज के गिर्द मूव करवाना है, ऑर्बिट करवाना है, तो ये उस चीज का क्या है मैस है, प्लैनेट भी हो सकता है स्टार भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास आपने किसके गिर्द मूव कराना है, उसको मून के गिर्द मूव कराना है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे जो एम है ये क्या है मैस ऑफ द मून होगा, मैस ऑफ द अर्थ नहीं होगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है द मैस ऑफ मून। आपको ना तो ये मैस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है, ये ना ही मैस ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट है, और ना ही मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पे डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट किस पे होगा मास ऑफ मून के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि 100 बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉल इन एयर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक बबल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2×10^-2 मीटर, और इसकी जो स्पीड है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड। द ड्रैग फोर्स ऑन द बबल इज अबाउट 1 माइक्रो न्यूटन, उसके ऊपर जो फोर्स है वो इक्वल है 1 माइक्रो न्यूटन विच इज इक्वल टू 1×10^-6 न्यूटन। देन कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द बबल इज, आपने इसका मास कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपको पता है जो F है ये इक्वल होता है MA के, आपको फोर्स गिवन है, फोर्स है 1×10^-6, मास आपने कैलकुलेट करना है, तो A आपके पास जरा इधर डिवाइड होगा, तो A की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू 0.1×10^-6 किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है मैस आ गया है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैस आया वो किस में आया है किलोग्राम में, और आपको जो मैस दिया हुआ यहाँ पे माइक्रोग्राम में दिया, इसका मतलब है ये 10^6 तो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो किलो है इसको हम क्या करेंगे 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.1×1000, ये क्या हो जाएगा 10^-6 माइक्रोग्राम, और ये हो जाएगा 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है अल्फा है 100 माइक्रोग्राम। आपने इसको यहाँ पे जब आंसर आया था तो इसको 0.1 माइक्रोग्राम नहीं लिख देना। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया वो किसमें है किलोग्राम में, आपने इस किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, देन आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती है उनको भी ज़हन में रखिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस मास स्प्रिंग सिस्टम इज सेट इन मोशन बाय पुलिंग द मास डाउन r मीटर्स फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसको आपने क्या किया है पुल किया है नीचे की जानब कितना r मीटर्स डाउन फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, मतलब अगर ये उसकी रेस्ट पोजीशन है आपने उसको यहां से यहां तक डाउन किया, और ये जो बीच में डिस्टेंस है ये कितना है r मीटर्स है, तो क्या कह रहा है कि द टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि जब आप किसी भी सिस्टम को अपनी रेस्ट पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करवाते हैं किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की जानब, तो उसके लिए जो एनर्जी है उसके अंदर जो स्टोर हो जाती है वो इक्वल होती है 1/2 kx0 का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने क्या करवाया उसको डिस्प्लेस करवाया है ये किसके इक्वल होता है x0, यहाँ पे हमारा x0 क्या है r है, तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर के। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा इसमें आपको कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड डे इज vc एंड इट्स स्पीड ऑन द हॉट डे इज vh, देन जो vc है वो इक्वल होगा vh के या vc लेस देन होगा vh के, या vc जो है वो ग्रेटर देन होगा vh के, और vc मे बी मोर और लेस देन vh। बेटा आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, इसका मतलब है जो vh है वो ग्रेटर होगा
बी सी के, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही बनता है कि बी एच जो है वो ग्रेटर देन क्या है बी सी, ऑप्शन बी। एंड देन 13 एमसीक्यू में वो कह रहा है कि द टेलीस्कोप जे गिव्स अ डिम इमेज ऑफ अ स्टार, एक टेलीस्कोप है उसका नाम क्या है जे, वो क्या कर रही है किसी एक स्टार का एक डिम इमेज आपको दे रही है। व्हाइल द टेलीस्कोप के गिव्स अ ब्राइट इमेज ऑफ द सेम स्टार, एक और टेलीस्कोप है जिसका नाम क्या है के, वो उस आपको उसी स्टार का एक ब्राइट इमेज दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली स्टेटमेंट है के हैज लार्जर अपर्चर, दूसरी स्टेटमेंट है के हैज हायर मैग्निफिकेशन, तीसरी है द फोकल लेंथ ऑफ के ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर, और चौथी स्टेटमेंट आएगा कि स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी आर ऑल करेक्ट। अभी आपको मैं बताता चलूं कि जो आपके पास किसी इमेज की डिमनेस है या ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके जो लेंस है उसके अपर्चर के ऊपर। इसका मतलब ये जो आपके पास टेलीस्कोप है के टेलीस्कोप, इसके क्या है जो अपर्चर है वो क्या है ग्रेटर देन है इसके जे वाले अपर्चर से, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा अल्फा, के हैज लार्जर अपर्चर, मतलब ब्राइटनेस और डिमनेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है अपर्चर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों को हमसे कह रहा है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिटरमाइंस द पीवी रिलेशनशिप विद गामा बीइंग द गैस कांस्टेंट। आपने 11th चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जब आप किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है कम होता है, उसी लिहाज से जो रिलेशन बनता है वो ये रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे आपने जैसे रिलेशन बताना था तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैरी 3 कॉलम ऑफ चार्ज, आपके पास जो चार्ज है वो कितना है क्यू है 3 कॉलम, इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको आपने 10 सेंटीमीटर मूव करवाया, डिस्टेंस उसका है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी ए बी आपके पास वोल्टेज है ए और बी के दरमियान में 700 वोल्ट्स, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जो आपके पास वोल्टेज है जब आप वर्क डन करवाते हैं तो वो इक्वल होता है वी ए बी इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, आपने यहां से वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क आपके पास इक्वल आ जाएगा वोल्टेज इनटू चार्ज, आपके पास वोल्टेज है 700 और चार्ज है आपके पास 3 विच इज इक्वल टू 2100 जूल, तो इतना आपने क्या करना है वर्क डन करना है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा 2100 जूल। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपसे कह रहा है कि 2 फैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 100 वोल्ट एंड देन डिस्चार्ज थ्रू अ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टर में से कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी। यहां पे आपको ये भी बताया हुआ कि कितने टाइम की एनर्जी डेसिपेट होगी, कुछ भी ऐसा नहीं बताया, बस बता रहा है कि 10 किलो ओम का रेजिस्टर उसमें से क्या कर दिया गया एनर्जी को डेसिपेट कर दिया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी डेसिपेट हो सकती है वो उतनी ही एनर्जी होगी जितनी कि उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। तो अगर आप उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी को कैलकुलेट कर लें तो हम टोटल एनर्जी जो डेसिपेटेड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है जो एनर्जी डेसिपेशन का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है 1 ओवर 2 CV स्क्वायर, आपके पास 1 ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा, कैपेसिटेंस आपको दी हुई है 2 फैरड और वी आपके पास है 100 वोल्ट्स, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगी 10,000 जूल विच इज इक्वल टू 10 किलो जूल, तो इसका मतलब है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा 10 किलो जूल विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। देन कह रहा है कि 17th ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 पाई 10 के पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इनसाइड 10 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनाइड, आपके पास एक एयर कोर सोलेनाइड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, उसके जरिए से आपने 4 पाई 10 के पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है और सोलेनाइड की जो टर्न्स है वो 1000 टर्न्स पर मीटर है, आपके पास रेशियो दी हुई है 1000 टर्न्स पर मीटर द करंट मस्ट बी, आपने क्या कैलकुलेट करना है करंट कैलकुलेट करना है। आपको पता है जो बीटा है वो इक्वल होता है म्यू नॉट एन
आई के। आपको बीटा यहाँ पे गिवन है 4π10⁻³। म्यू नॉट आपको पता है इक्वल होता है 4π10⁻¹। एन है आपके पास 1000 और आपने क्या कैलकुलेट करना है आई। यहां से जो आई है वो इक्वल आ जाएगी 4π से कट जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्या रह जाएगा 10⁻⁴, 10⁻³ और 10⁻⁴। ये ऊपर जाएगा प्लस फोर हो जाएगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और आपके पास जो करंट है वो कितना आ गया 10 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन बन गया 10 एम्पेयर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको कह रहा है कि एन 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉस 1.6 एम्पेयर एंड इफ अ 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी इट ड्रॉस 0.5 एम्पेयर। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय 6 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस बैटरी। कि आपके पास बैटरी हर केस में क्या है सेम है, लेकिन जब आप डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, और उन रेजिस्टेंस के साथ साथ आपके साथ पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। आपको पता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो उस केस में आपके पास जो E है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है IR प्लस IR। पहले केस की अगर बात करें, पहले केस में आपको रेजिस्टेंस और करंट दोनों गिवन है। रेजिस्टेंस है आपके पास 8 ओम, 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा, और आई आपके पास अगेन आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है आर आपको, और आई आपके पास गिवन है आर आपने कैलकुलेट करना है 1.6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12.8 प्लस 1.6 आर इज इक्वल टू ई। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब दूसरे केस पे आ रहे हैं, दूसरे केस में आपके पास रेजिस्टर कितना है 30 ओम का और करंट कितना है 0.5, तो उस केस में आपके पास जो ई है वो इक्वल हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 0.5 इंटू आर, और ये ई आपके पास इक्वल आ जाएगा 15 प्लस 0.5। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में आपको वो कह रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है 0.6 और आपने क्या कैलकुलेट करना है करंट। ठीक है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन। आपको पता है कि अगर आपने करंट कैलकुलेट करना है तो करंट के लिए आपको किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए आर की। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे आर भी आएगा। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ई इज इक्वल टू 12.8 प्लस 1.6 आर, ई इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 आर। तो ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आपस में कट जाएंगे और इक्वल आ जाएगा 0 इक्वल टू, जब आप 15 में से 12.8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.2 साथ में माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, और आपके पास आर की वैल्यू भी आ जाएगी इसी तरह। ठीक है, देन आपको वो कह रहा है कि आपके पास ये 1.2 इधर आ जाएगा और ये 1.1 इधर आ जाएगा, जब डिवाइड होगा आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी करंट की। आपने जब करंट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको ई की वैल्यू भी पता होना चाहिए। आप इस आर की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 15 प्लस आपके पास क्या 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 तो ये आ गया 16 वोल्ट्स। ई की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, आई है वो इक्वल आ जाएगा E ओवर आर प्लस आर है। E हमारे पास क्या है 16, R की वैल्यू कितनी है इस केस में 6 और R है आपके पास स्मॉल R है 2, तो इस तरह 16 ओवर 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा आपके पास 2 एम्पीयर।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, अल्फा होगा 2 एम्पेयर। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई इज 140 वोल्ट। मतलब कि आपको वी नोट दिया हुआ है, वी नोट आपके पास कितना है 140 वोल्ट्स। एन एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई विल गिव अ रीडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली। आपको पता है जो आप जब किसी भी पावर सप्लाई के साथ कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो उस पावर सप्लाई को क्या दे रहा होता है, RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे रहा। तो बेसिकली आपने आपसे इस क्वेश्चन के अंदर वो इस वोल्टेज की क्या पूछ रहा है, RMS वैल्यू। और आपको पता है कि अगर आपने RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, वी RMS को इक्वल होगा वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो जब आप 140 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2, ये इक्वल होता है 1.414 के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 100 वोल्ट्स के। ठीक है, तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, अल्फा व्हिच इज 100 वोल्ट्स। Then कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प इज यूज्ड टू कंपेयर टू वोल्टेजेस V1 एंड V2 इट्स आउटपुट इज। आपको पता है कि जब आपने पढ़ा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प एज अ कंपैरेटर, तो उसमें क्या होता है कि दो वोल्टेजेस को आपस में कंपेयर किया जा रहा था। जब दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है तो क्या हो सकता है, एक चीज या तो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, या फिर दोनों क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। मतलब उसकी जो आउटपुट है वो क्या आ सकती है, V1 या तो लेस हो सकता है V2 से, या V2 जो है वो लेस हो सकता है V1 से, या फिर V1 इक्वल हो सकता है V2 से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन गिवन है तो वो उसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपसे कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग मेटल वायर 10 मिलीमीटर इन डायमीटर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3142 न्यूटन व्हिच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेच ऑफ 10 मिलीमीटर। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल इज, आपने इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। आपको पता है जो E है वो इक्वल होता है F क्रॉस L डिवाइडेड बाय डेल L इनटू A। ठीक है, मतलब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, अगर आप उसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। फोर्स आपको गिवन है 3142 न्यूटन, लेंथ है आपके पास 10 मीटर और इस लेंथ के अंदर जो चेंज है वो कितना है 10 मिलीमीटर। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ये अगर आप ये 0 खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, एरिया आपने कैलकुलेट करना है, एरिया के लिए यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का वो सेम स्क्वायर वाला होता है, तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आप पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे तो ये आ जाएगा 3.142 और आर है आपके पास इसका हाफ लेंगे तो 5 मिलीमीटर, 5 × 10 की पावर -3 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 3 1 4 2 0 डिवाइडेड बाय 1 × 10 की पावर -2 और ये 3 1 4 2 0 अगर आप इसको बनाना चाहें 3 1 4 2 0 तो इसके साथ आपने पाई को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना तो 1 2 3 4 10 की पावर आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 25 × 10 की पावर -6। अब ये 3 1 4 2 0 3 1 4 2 0 से कट जाएगा और आपको मिल जाएगा आंसर 1/25 × 10 की पावर -2 -4 -6 तो ये हो जाएगी -12। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.25 × 10 की पावर -10। अब 1/0.25 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 10, ऊपर जाके जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर 10 और ये आपके पास क्या आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि ट्रांसमीटर रेडिएट्स 30 माइक्रोवाट एट 6.63 मिलीमीटर। यहां पे वेव लेंथ भी आना था। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब n कैलकुलेट करना है जब आपके पास पावर है 30 माइक्रोवाट और आपके पास वेवलेंथ लैम्डा है 6.63
63 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर। आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं आपके पास टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, ये अगर आपके पास दोनों चीजें हो तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह में पहले एनर्जी ऑफ वन फोटोन चाहिए। एनर्जी ऑफ वन फोटोन आपको पता है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा की इक्वल होती है। एज आपके पास क्या है 6.6 × 10 की पावर है माइनस 34। सी आपके पास है 3 × 10 की पावर 8 है। लैम्डा आपके पास है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, ये 6.63 इससे कट जाएगा और ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 21। 3 × 10 की पावर माइनस 31 प्लस 8 और ये इक्वल आ जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये क्या आ गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो टोटल एनर्जी के लिए आपने क्या करना होता है, पावर को मल्टीप्लाई करना होता है 1 सेकंड के साथ। इसका मतलब है जब आप इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 30 माइक्रो जाउल। ठीक है, ये एनर्जी आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस एनर्जी को क्या, इस एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 30 × 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 × 10 की पावर माइनस 23। ये 3 जब 30 को कट करेंगे तो 10 आएगा, ये माइनस 23 ऊपर जाएगा प्लस 23 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 × 10 की पावर माइनस 6 प्लस 23 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 × 10 की पावर 17 और ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर 18। ठीक है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी आपके पास और नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे एमिट होंगे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बना है चार्ली विच इज 10 × 10 की पावर 1 × 10 की पावर 18। ठीक है, आप यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 × 10 की पावर 18 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि 1 केजी मास मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 6.63 मीटर पर सेकंड विल हैव अ डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू। आपको पता है कि जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फार्मूला है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एमवी। एज है आपके पास 6.63 × 10 की पावर माइनस 34, मास है आपके पास 1 केजी और आपके पास वेलोसिटी कितनी है 6.63 मीटर पर सेकंड। ये 6.63 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 10 की पावर माइनस 34 और आपका जो ऑप्शन बन रहा है बीटा विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 34। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे वो कह रहा है कि व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग अ हैवी मेटल द एक्सरे स्पेक्ट्रम कंटेन्स। आपको पता है कि जब एक्सरे प्रोड्यूस होती है, आपने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर डिस्क्रीट लाइंस भी होती है और वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट लाइंस और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, बोथ है कि बोथ डिस्क्रीट लाइंस एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो चार ही बनेगा, बोथ डिस्क्रीट लाइंस एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। जो क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपसे कह रहा है कि सपोज टू आइसोटोप्स ए एंड बी ऑफ एन एलिमेंट कंटेन पी ए एंड पी बी प्रोटॉन्स एंड ए एंड एन बी न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, आइसोटोप दिए हुए हैं। एक आइसोटोप अगर किसी एक एलिमेंट का आइसोटोप दे तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं उन दोनों के अंदर, लेकिन उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के इक्वल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है, देन आपने बस ये उस कंडीशन पे ठीक करना है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो दोनों के इक्वल हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल ना हो। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन ही बन रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये आइसोटोप की कंडीशन होती है।
और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे वो कहना है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापिस आया है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर इमिटेड। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने क्या नाम है इसका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो किस टाइप के रेडिएशन फैल करता है, गैमा टाइप्स की, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा चार में, तो ये आपके दोनों क्या थे करेक्ट ऑप्शन थे। अभी हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज पॉसिबल टू, पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म एन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस एनर्जी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो आप ये तीनों तरह के काम कर सकते हैं, आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में भी डाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे वो कह रहा है कि इफ अ मटेरियल हैज सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 देन T1 माइनस T2 होगा या फिर जो B है वो इक्वल होगा T1 लेस देन T2 या फिर T1 ग्रेटर देन T2 होगा या फिर T1 एंड T2 आर लेस देन सम क्रिटिकल टेम्परेचर्स TC। आपको पता है कि जब सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की बात की जाती है किसी मटीरियल की तो एक खास टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से नीचे क्या होता है कि उस मटेरियल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है ये जो T1 एंड T2 है ये दोनों क्या होंगे उस क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस होंगे। तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा T1 एंड T2 आर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर TC। ये दोनों में कौन लेस है कौन ग्रेटर है वो डिपेंड नहीं करता, ये दोनों का इस TC से लेस होना लाजमी है अगर क्या करनी है इस मटेरियल ने अपनी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को शो करना है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारे के सारे MCQs हैं क्लियर होंगे। इसमें अगर आपको किसी किस्म का मसला रह गया हो कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।